नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी के कोसली में लुटेरे हथियारों के बल पर एक व्यापारी से नकदी व उसकी बाइक लूटकर फरार हो गए। वारदात कोसली अनाज मंडी गेट पर हुई। वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कोसली के शिव कॉलोनी निवासी हिमांशु बंसल उर्फ ऋषु ने अनाज मंडी में अपना मकान बनाया हुआ है। मंगलवार की रात करीब 10:45 बजे वह शिव कॉलोनी से अपने अनाज मंडी वाले घर पर आ रहा था। इसी दौरान अनाज मंडी गेट पर 3 बदमाशों ने हिमांशु को हथियारों के बल पर दबोच लिया। इतना ही नहीं, हथियारों के बल पर गला भी दबाया, जिसके चलते वह बेहोश हो गया। इसी दौरान लुटेरे हिमांशु की जेब से करीब 35,000 रुपए की नकदी, क्रेडिट कार्ड व बाइक लूट कर फरार हो गए। होश आने के बाद हिमांशु ने अपने पिता को फोन पर इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के माध्यम से बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी हुई है। वहीं व्यापारी के साथ लूट के बाद कोसली के व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापारियों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 2 दिन के अंदर लुटेरों को गिरफ्तार नहीं किया गया, 17 जून को बाजार बंद कर इसका विरोध किया जाएगा। कोशिश कर रहे हो, परंतु सुनवाई कोई नहीं हो रही हमारी यहाँ। बाजार में इतनी चोरियां हो ली, अब चोरियों पर से हटके डकैतियों पे काम हो गया। रात को इस बच्चे को, ये तो शुक्र भगवान का बच्चा बच गया, मर भी सकता था। आदमी इतना घबराया हुआ है इस मंडी में, तो आप पूछो मत। प्रशासन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई और जी कागज कार्रवाई कर जाता है, ट्रेस कोई नहीं हो रही। आप भी आए हुए हैं, SHO साहब भी आ रहे थे, DSP भी आ रहे थे, आश्वासन दे रहे हैं भाई ठीक है, हम लग रहे हैं। फुटेज इनके पास है अच्छी, खूब उनमें चेहरे दिख रहे हैं। अगर इस चोरी को अगर प्रशासन चाहेगा ना चाहेगा तो कुछ घंटों में ट्रेस कर सकता है। उस बच्चे की बाइक भी लेके पता नहीं भाई, उससे भी कोई कांड कर दिया होगा, तो उस चीज का भी आपके जरिए भी, इनके जरिए भी कंप्लेंट भी करवा दिए, वो कहीं इस बच्चे के ऊपर और कोई दिक्कत। 2 दिन का टाइम है जी बाजार की तरफ से, 17 तारीख को बिल्कुल पूरा बाजार बंद किया जाएगा और रोड जाम किया जाएगा जी। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, ये सभी व्यापारियों के वो है। हिमांशु बंसल नाम है मेरा। कल रात को मैं अपने शिव कॉलोनी वाले घर से जब मंडी वाले घर आ रहा था, तो उस टाइम मैं बाइक पे था, तो जैसे मैं इस मंडी गेट के इधर मुड़ा तो इधर ही बाइक पे 3 आदमी थे, 2 आदमी तो इधर थे, 1 आदमी उधर खड़ा था। तो उन्होंने हाथ दे के बाइक रुकवाई, बाइक दे के मेरे को बोले आगे तक छोड़। वो तुरंत पीछे बैठ गया जैसे मैंने मना किया, और उसने गर्दन मेरी पकड़ के बिल्कुल दबा दी, जिससे मैं गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद तो जैसे उठा तो ना तो मेरे पास बाइक थी, ना मेरे जेब में पैसे थे, मोबाइल लेके नहीं गए, बाकी जेब में ना तो बाइक मिली और ना पैसे मिले मुझे। मेरे ड्राइविंग लाइसेंस सारे पेपर भी थे, सब जाते। पुलिस शाम को आई थी, उन्होंने रिपोर्ट लिख दी, ढूंढा भी, ढूंढने के लिए बोला था, ढूंढ भी रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं अब तक अभी कुछ पता नहीं। वो कैमरे देख रहे हैं अभी, उनके कैमरे में कुछ में दिखे नहीं अभी तक, वो फेस सामने देख रहे हैं। पुलिस लगी हुई कार्रवाई में, ताकत नहीं, ना कोई जानकारी थी ना कुछ पता था। देखिए, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है यहाँ पे, और जो बात आप कर रहे हैं रात वाली, तो रात में हिमांशु बंसल नाम का एक लड़का था, शिक्षक से, जो कि अपनी मोटरसाइकिल को अनाज मंडी से लेकर निकल रहा था। उसको 3 लड़कों ने रोक लिया है और उसकी मोटरसाइकिल को स्नैच कर दिया है, और 35-36 हज़ार रुपये भी थे उसके पास, वो भी उसके स्नैचिंग में गए हैं। हम अभी हमारी CGI टीमें लगी हैं यहाँ पे, हमारा मैं खुद 2 बार मौके पर गया हूँ, रात को भी गया था, अभी गया हूँ मौके पर। हमारे DSP क्राइम भी मौके पर आए हुए हैं, और उम्मीद भी आते बहुत निकट भविष्य में हम अपराधियों में पहुँच जाएंगे। देखिए, हमने अपराध रोकने के लिए एक तो फुट पेट्रोलिंग जो है, पैदल पेट्रोलिंग जो है, हमने यहाँ बढ़ा दी है, और हमने कुछ टीमें बनाई हैं पुलिस की, जो कि पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट को चेक करेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्यूटी जाती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्यूटी जाती है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपराध ना होने दें किसी की।